नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे नियरेस्ट टेंथ का। टेन के नजदीक संख्या को गुणनफल निकालेंगे हम लोग बिना किसी कैलकुलेशन का। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12 × 11 2 × 2 = 32। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 × 16 चलिए इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे आखिर इतना फास्ट हम कैसे किए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 12 × 11। क्या है 12 × 11? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस को मल्टीपल करना है। तो 2 × 2 = 2, उसके बाद इधर कितना है 12 + 1 = 13, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या था मेरा 11 × 15, तो 11 × 15 को कैसे करेंगे, 1 × 5 = 5। अब यहाँ कितना है 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास 12 × 13, यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 3 = 6। अब मेरे पास किधर है 12 + 3 = 15। ठीक है, इस तरह का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो 14 × 12 क्या करेंगे 4 × 2 = 8। 14 यहाँ है, इधर कितना है 14 + 2 = 16। चलिए देखते हैं और 15 × 13, 5 × 3 = 15। अब मेरे पास क्या है, कैरिंग आया, कैरिंग मेरे 1 हो गया, कैरिंग कितना है मेरे पास 1। ये 15 + 3 कितना दिया 18, और कैरिंग मेरे पास कितना था 1, तो 18 + 1 = 19। चलिए और देखते हैं 19 × 18 क्या देगा 9 × 8 = 72। 72 हम लोग कितना लिखेंगे 2, कैरिंग में कितना रहा 7। 19 + 8 कितना देगा 19 + 8 = 27, कैरिंग में कितना था 7, यानी 27 + 7 कितना देगा 34। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग 12 × 17, ये क्या करेगा 2 × 7 = 14, कैरिंग में कितना रहा 1 रहा, तो 12 + 7 कितना देगा 19, और कैरिंग में कितना था 1, तो 19 + 1 = 20। चलिए और देखते हैं 16 × 15 क्या देगा 6 × 5 = 30, 30 हम लोग कितना लिखेंगे 0, कैरिंग में कितना रहा 3। अब 16 + 5 कितना देगा 16 + 5 = 21, 21 + 3 = 24। तो इस तरह हम लोग 2 डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जो नियरेस्ट 10 का होगा, हम लोग बिना चंद सेकंडों में हम लोग उस चीज को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये सब समझ में आया है तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह का कुछ यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ मैं लाते रहूंगा। धन्यवाद।